यहाँ पर आज लगातार मैं समझता हूँ 10-12 दिन के अंदर 1700 चिल्लर इस मोबाइल टेस्टिंग के जरिए 1700 चिल्लर हुए आज तक, और इंशाल्लाह फिर इसको। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। आज हल्के कारवान के अंदर पिछले 10-12 दिन से लगातार सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर और जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अबीद साहब की जेर निगरानी हल्के कारवान के अंदर जो आज दुनिया भर के हालात को मद्देनज़र रखते थे, कारवान के अंदर पिछले 10-12 दिन से मोबाइल टेस्टिंग की जा रही है, जहां पर हल्के के कारवान के तमाम इलाका जात के अंदर चाहे वो गोलकुंडा हो या गोली चौकी का डिवीज़न हो या नानानगर हो या कारवान हो या जियागुड़ा हो या गुड्डी मलकापुर हो, यहां पर आज लगातार मैं समझता हूं 10-12 दिन के अंदर 1700 चिल्लर इस मोबाइल टेस्टिंग के जरिए 1700 चिल्लर हुए आज तक, और इंशाल्लाह फिर इसको एक्शन कराने के लिए मैं इंशाल्लाह कल डायरेक्टर सिकरा साहब से भी नुमाइंदगी करूंगा, क्योंकि मोबाइल टेस्टिंग की वजह से काफ़ी आवाम को सहूलत हो रही है। और वैसे तो कारवान के अंदर 5 जगह पर जो बस्ती दाखाना हो या गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल हो या जो PHU सेंटर हो कुमारवाड़ी गोलकुंडा, कारवान के अंदर पन्नीपुरा एरिया हॉस्पिटल और हकीमपेट कुंटा बस्ती दवाखाना, इसी तरीके से 5 सेंटर चल रहे हैं डेली सुबह से शाम में 2 बजे तक, और इंशाल्लाह और सेंटर्स बढ़ाने के लिए साबेखा में भी सदर मोहतरम की हिदायत पर जाकर मिनिस्टर साहब से नुमाइंदगी की गई थी, जिसके बाद ये मोबाइल टेस्टिंग को दिया गया था। इंशाल्लाह ये मोबाइल टेस्टिंग की गाड़ी को और एक्सटेंड करने के लिए फिर इंशाल्लाह कल नुमाइंदगी करेंगे, इसके ज़रिए क्योंकि आवाम की काफ़ी सहूलत हो रही है, आवाम के घर के सामने पब्लिक के घर के सामने या बस्ती के अंदर आकर ठहरी है, उसकी वजह से आवाम को कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से गुजारिश करता हूँ अपने अपने अलखेजात के अंदर, चाहे वो हकीमपेट के इलाके के हो, अगर हकीमपेट के है तो आप हकीमपेट कुंटा बस्ती दवाखाने में जाकर कराइए, गोलकुंडे के अंदर बस्ती एरिया हॉस्पिटल के अंदर गोलकुंडा पतिदराजा कुमारवाड़ी के अंदर, कारवान के अंदर पन्नीपुरा एरिया हॉस्पिटल और तालागड्ढा वहाँ पर हमारे गुंगे की बोली बस्ती दवाखाने के अंदर, इसी तरह से 5 सेंटर चल रहे हैं, इंशाल्लाह वो रेगुलर रहेंगे और बस्ती दवाखानों को बढ़ाने के लिए, चाहे वो अकबरपुरे का बस्ती दवाखाना हो या MD लेन का हो या इब्राहिमबाग के अंदर हो, इंशाल्लाह इस बस्ती दवाखाने के अंदर टेस्टिंग के लिए इंशाल्लाह अप्रूवल हो चुका, चंद वजूहत की वजह से रुका हुआ है, इंशाल्लाह फिर नुमाइंदगी कर और जिसको भी पॉजिटिव आ रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, चाहे पूरे मेडिसिन उनको होम क्वारंटाइन करने के लिए मेडिसिन दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ फिर एक मरतबा मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ अपने अपने इलाके जात के अंदर जाकर टेस्टिंग करा लीजिए, और अल्लाह से दुआ भी करिए कि जल्द से जल्द इस मर्ज को ख़त्म करें, फिर एक मरतबा अपने आप को महफूज रखिए और डिस्टेंस मेंटेन करते हुए और अपने घरों के अंदर भी साफ सुथरा रखिए। मैं फिर एक मरतबा आवाम से गुजारिश करता हूँ और अपने इलाके जात के अंदर जाकर टेस्टिंग करा लीजिए, और मैं फिर एक मरतबा आवाम से गुजारिश करता हूँ कि अपने अपने इलाके जात के अंदर जाकर टेस्टिंग, जहाँ पर भी आपका घर है उस इलाके के अंदर चाहे बस्ती दाखाना हो या गवर्नमेंट के कोई भी हॉस्पिटल में जाकर टेस्टिंग करा सकते हैं। मैं इंशाल्लाह मोबाइल टेस्टिंग के लिए जहाँ तक हो सकता फिर इंशाल्लाह मिनिस्टर साहब से और डायरेक्टर साहब से नुमाइंदगी करकर टेस्टिंग कराने की पूरी कोशिश करनी है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी नहायत ही वाजबी दाम पर दस्तियाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा,
जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तियाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बेसाइड रियान होटल हैदराबाद, डायरेक्टर सैयद राशिद अली, फोन 9849715954। टॉप सेलेक्शन।